हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, और अगर आपको नहीं लगे तो आप बता देना। अगर आपको अच्छी लगे वो कहानी तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ, हमें ये कहानी सुननी है और आगे आप इसको कंटिन्यू करो। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक लड़की की सच्ची कहानी है, उसके जीवन में जो जो अब तक घटा है, जो जो उसके साथ हुआ है, मैं वो ही आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही प्यारे, और मैं क्या बोलूं आपको, मतलब इतने प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ थे। उनके 5 बच्चे थे, 3 लड़के थे और 2 उनकी लड़की थी। तो उनकी लड़कियां बड़ी थी लड़कों से, और लड़के तीनों छोटे थे, 5 भाई बहन थे वो। तो वो बहुत मेहनती थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत मेहनती थे, और वो जो जिनकी मैं कहानी बता रही हूँ, जिस लड़की के, उसके पापा थे टेलर, सिलाई करते थे। सिलाई करके उसने अपने बच्चों को पाला है। खेती बाड़ी भी थी उनके, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। तो उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी कर दी। तो शादी, आपको पता है, ये पहले की बात है, पहले थोड़ा जल्दी ही शादी कर देते थे। तो उन्होंने अपनी लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी। तो बड़ी वाली लड़की थी जो, वो ससुराल आ गई, और छोटी वाली थी वो ज़्यादा छोटी थी, मतलब गोद में थी वो। तो पहले तो ऐसे ही बाल विवाह होते थे, तो वो उन्होंने ससुराल नहीं भेजी। वो लड़का भी छोटा था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, दोनों ही वो छोटे थे, तो उसको ससुराल नहीं भेजा उन्होंने। तो जब वो लड़की शादी के लायक हुई तभी वो ससुराल गई। तब तक वो जैसे जैसे वो बड़ी होती रही, वो अपने मम्मी पापा के, 3 भाई थे, छोटे भाई थे उसके, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ, बहन ससुराल आ गई थी, वो अपने मम्मी पापा के साथ उधर ही अपने गांव में रहती थी। तो वो उधर ही अपने मम्मी पापा के काम में मदद करती थी, अपने भाइयों का ध्यान रखती थी। फिर वो ससुराल आ गई, उसके भाई भी तब तक बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, तो 2 भाइयों की शादी कर दी। तीसरे की शादी तब की, जब वो लड़की, मतलब लड़की ससुराल तो आ गई थी, और लड़की के 2 बच्चे भी हो गए थे, उसके बाद उसके तीसरे भाई की शादी की। तो उसके लड़की के 3 भाभी आ चुकी थी, सब अपने अच्छे से रह रहे थे। लेकिन यहाँ से वो लड़की अपने ससुराल आ जाती है, उधर से उसकी लाइफ में, ये लगा लो आप बोलते हैं औरत को, मतलब बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ से उसकी जर्नी, उसके जीवन की स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले तो वो अपने माँ बाप के पास थी। तो माँ बाप को तो आपको पता है, सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो उसके माँ बाप ने भी किया था अपने 5 बच्चे से बहुत प्यार, अपने भाई से भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो अब वो जैसे ससुराल में आती है, तो ससुराल में ससुर, जैसे ही वो ससुराल में आई ना, तो उसके जो बड़ी वाली बहन और उसके जो जेठ लगा लो या जियाजी लगा लो, वो उसके आते ही मतलब अलग हो गए। वो नौकरी में थे, और जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो नौकरी में नहीं था, वो मजदूर था। मजदूरी लगा लो, जब उसकी जॉब नहीं थी, वो प्राइवेट जॉब कर रहा था उस टाइम। वो भी छोटा ही था जिस टाइम
वो लड़की अपने ससुराल गई, वो आठवीं में पढ़ता था, तो आठवीं से ही उसने मतलब अपना काम करना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी वाइफ घर पे आ चुकी थी और अब परिवार बड़ा भी होने वाला था। उसका भाई उससे अलग हो गया था, क्योंकि भाई को पता है अब तो ये दो है, उसके बाद ये चार भी होंगे, पाँच भी होंगे, तो उससे पहले तू अपना अलग हो जा। तो वो अलग हो गया अपनी वाइफ के साथ, उसके भी बच्चे थे, तो वो अलग हो गया। तो वो उसका हस्बैंड 250 रुपये मतलब 250 250 रुपये से जॉब करने लगा था। एक पास का जो बाज़ार था, पास उसके गांव के पास में जो बाज़ार था, उसमें जाके वो मतलब काम करना स्टार्ट किया उसने। एक छोटी सी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के अंदर उसने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके दो लड़कियां हो चुकी थी, और घर पे उसकी वाइफ, ससुर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्या अच्छी थी नहीं सास, वो ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करती थी उसके साथ, परेशान रखती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रखती थी। तो वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती थी, भैंस रखती थी, हस्बैंड उसका बाहर कमा के लाता था, वो अपने घर में काम करती थी, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर में अपने भैंसों का काम करती थी, गांव में कुछ मजदूरी होती थी तो मजदूरी करती थी, ऐसे काम करती थी वो। तो जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, दिनचर्या, वो ऐसे ही अपना संघर्ष करते रहे इस जीवन के साथ, काम करते रहे। तो उसके बाद उसकी एक लड़का हुआ, पता है गरीब आदमी का, और उस टाइम में पैसे, मतलब थोड़े से पैसे की चीज़ आती थी, वो थोड़ा सा पैसा भी मतलब बहुत मुश्किल से कमाया जाता था उस टाइम में। अब तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो खर्चे भी ज़्यादा है, तो वही बात है। तो जैसे जैसे उनके बच्चे, फिर एक लड़की हुई तो उसके भी चार बच्चे हो गए, तीन लड़कियां और एक लड़का। तो लड़के तीन मतलब बच्चे चारों ही मतलब धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो उसके हस्बैंड की भी जैसे 250 रुपये थी, फिर 300 हुई, 1000 हुई, ऐसे धीरे धीरे करते करते उसकी 4000 सैलरी हो गई। तो उस टाइम मंदा टाइम था, तो मंदे टाइम में उनका काम घर पे उसकी वाइफ करती थी, वो बाहर करता था, चल ही रहा था उनका काम। उसके बाद बीच बीच में भाई है, भाई उधर, उसके तीन भाई थे, जो तीनों, दो भाई की जॉब लग गई थी, एक भाई बचा था, बाद में उसकी भी जॉब लग गई। तो मतलब वो पीहर की तरफ से तो बहुत खुश थी, क्योंकि कोई भी हो, देखो पीहर खुश है तो उसका सब कुछ खुश है। उसके तीन भाई थे, तीनों भाई जॉब लग चुके थे और मम्मी पापा भी अच्छे से थे। तो उसके बाद तो थोड़ी बहुत मदद भाई के उधर से भी हो जाती थी। तो उसका हस्बैंड, पहले ये बस वगैरह ये बहुत कम चलती थी तो कोई लोग बाग बहुत कम ही जाते थे, क्योंकि सभी के पास पैसे वैसे की इतनी ही शॉर्टेज रहती थी। तो कोई तो पैदल चल जाता था, कोई साइकिल है तो साइकिल से चला जाता था। तो इस वजह से तो उसके हस्बैंड ने एक साइकिल ले रखी थी, वो साइकिल से ही अपनी मतलब काम करने के लिए जाता था। तो बीच में क्या हुआ, दो तीन बार ऐसा हुआ, उसके हस्बैंड को जैसे साइकिल से जा रहा था ड्यूटी पे, तो एक बार ट्रक वाला टक्कर मार के चला गया, तो उसके हस्बैंड का पैर टूट गया। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि कमा के तो बाहर से तो वो ही लेके आ रहा था ना भाई, वाइफ घर में काम कर रही है तो अपने भैंस डांगर रख रही है, भैंस पाल रही है, तो उससे दूध बेच के कितना कर। उस टाइम में तो दूध घी भी बहुत मंदा था, बहुत ज़्यादा मंदा था, तो इतना कुछ खास मतलब वो हो नहीं पा रहा था। चार बच्चों का पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना लिखाना, तब तक उसके बच्चे भी पढ़ने लग गए थे, तो मतलब बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था। तो उसके बाद
जैसे उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो वो कम से कम 6 महीने तक खाट में ही मतलब रहा खाट में, क्योंकि पैर टूट गया था। तो पैर ये तो है नहीं अब आज टूटा कल तुरंत जुड़ गया पैर या काम करने लग गया, तो 6 महीने तक वो घर में अपने घर पे रहा। तो 6 महीने तक ही घर में उसकी वाइफ से जैसे थोड़ा बहुत होता था, गांव में मजदूरी होती थी, गांव में मजदूरी करी आई, अपने भैंसों का काम कर लिया, उससे कुछ आमदनी हो गई। और उसके भाई जो जॉब लग चुके थे, उसके भाई उस अपनी सिस्टर की मदद करते थे तो वो भी भेज देते थे अपनी बहन के पास। तो जैसे जैसे फिर कंटिन्यू उसका हस्बैंड सही हुआ तो वो अपना जॉब करने लग गया। बहुत मतलब उसको दिक्कत उठानी पड़ी, क्योंकि कोई भी हो अगर जो कमा के ला रहा है वही खाट में पड़ जाता है तो उसको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। और भाई भाइयों का तो कोई मतलब जो उसका हस्बैंड थे उसके भाई थे तो पता है, दूसरे तो कौन मदद करते हैं, कोई मदद नहीं करते, क्योंकि सबका अपना परिवार होता है। करने को तो खूब मदद कर देते हैं पर नहीं करना चाहते तो नहीं भी करेंगे भाई, दूसरे पे कोई फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जिस उसकी वाइफ का के भाई हैं वो तो करेंगे, क्योंकि उसकी बहन तकलीफ में है, दुख में है, तो वो तो मदद करेंगे, उसके माँ बाप भी करेंगे। लेकिन जो भाई होते हैं वो बराबरी हो जाते हैं मतलब, तो कोई नहीं करता किसी की मदद। और उसके बच्चे अब पढ़ने लग गए, बड़ी क्लास में हो गए, बड़ी क्लास में हो गए तो खर्चे भी ज़्यादा हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए तो अब पैसे की कमी होने लगी। पैसे की कमी होनी, और एक बात और है दोस्तों, अगर है ना मतलब एक गरीब गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे, जबकि हालांकि वो गरीब के थे ना उनके बच्चे जिनकी मैं आपको कहानी बता रही हूँ, उसने कभी अपने बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, खाने की पीने की कपड़ों की कैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने दी, चाहे उसके पास पैसे थे नहीं थे, जैसे भी करके वो मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि उसकी वाइफ भी मेहनती थी, वो अपने घर में मेहनत करती थी। तो दोस्तों उसके बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, उसके तीन, एक जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी वो भी पढ़ाई में अच्छी थी, और दोनों जो बेटे और बेटी थी वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। लेकिन जो उसकी बीच वाली बेटी थी वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी ज़्यादा, उसका ज़्यादा दिमाग पढ़ाई में नहीं चल रहा था, तो वो वीक थी पढ़ाई में। लेकिन वो तीनों बच्चे अच्छे थे पढ़ाई में। तो दोस्तों पता है गरीब के बच्चों को सब मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और अमीर के बच्चे हो गए तो उनके तो भाई पापा के पास पैसे हैं वो है, तो उनको कोई कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो यही कहानी उनके साथ भी यही कहानी सेम यही हुई। तो मतलब जैसे जैसे उनकी बच्चियां बड़ी होने लगी, दूसरों को बड़ी तकलीफ होने लग गई, बोलने लग गए भाई शादी करो शादी करो शादी करो, बच्ची बड़ी हो रही है, टाइम अच्छा नहीं है, शादी करो। और जबकि उनकी लड़कियां शादी लायक हुई नहीं थी, क्योंकि एक छोटी बड़ी वाली लड़की थी वो 10th में पढ़ती थी, छोटी वाली लड़की थी वो 9th में पढ़ती थी। तो जैसे भाइयों ने उनके भाइयों ने फोर्स किया उनको, जो उस लेडीज़ का हस्बैंड था उनके भाइयों ने उसको फोर्स किया, भाई तुम्हारी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं उनकी शादी करो शादी करो। तो उन्होंने सोचा कि भाई लो ये बोल रहे हैं तो कर देते हैं, कोई कुछ कहता भी नहीं था, भाई बोल रहे हैं अरे बच्चिया ठीक है। जैसे उनका बचपन में शादी हो गई उनका ब्याह हो गया, ऐसे उन्होंने भी वही सेम रिवाइज हो गया, उन्होंने भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ, वो उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत बोले थे, उन्होंने बोला और वो शादी करने निकल देखने के लिए निकल पड़े। और उनके साथ पता है क्या हुआ, उसने मतलब लड़कियों के लिए जो बड़ी बड़ी वाली लड़की थी उनके लिए मतलब
पहली बार जिस घर में गए उसी घर में उनका रिश्ता पक्का करके आ गए, रिश्ता पक्का करके आ गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भाई ये अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, देखे परखे, चलो कोई बात नहीं एक ही रिश्ता देखा है क्या इसी में कर दें हम, चलो और देख लेते हैं। और पहले ना अब तो खर लड़कियों के पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारी शादी करे ना करे, या बेटा और पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे क्या है। पहले तो क्या था, कह देते थे भाई आगे वाले अपना आप पढ़ाएंगे, हमको तो करना है शादी करनी है करेंगे, ये था। लड़कियों से कोई नहीं पूछता था कि तुमको शादी अभी करनी है नहीं करनी है। बेटी माँ बाप को भारी नहीं होती, गांव को भारी हो जाती है, पड़ोसियों को दिक्कत बड़ी होती है, पड़ोसियों को दिक्कत हो जाती है जिस घर में लड़कियाँ हो जाती है उस घर में। और उनके जो छोटे भाई बहन थे ना वो बड़े ही होशियार थे, बहुत ही मतलब अच्छे थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, नहीं ज़्यादा दोनों बहन भाई किसी से बात करते थे नहीं कुछ, और बात तो सारे ही नहीं करते थे, बस जो उसकी बीच की लड़की थी जो पढ़ाई में पढ़ाई कम करती थी वीक थी वही थोड़ा सा ऐसी चंचल थी, वही दोस्त बनाती थी, उनसे बात करती थी, इधर उधर मतलब फ्रेंड के पास चली जाती थी आ जाती थी। नहीं तो उनके तीनों ही बच्चे ऐसे थे, वो नहीं किसी से ज़्यादा बातचीत करते थे, नहीं किसी के घर आना नहीं जाना नहीं कुछ। और कि जब तक उनकी मतलब दोनों बहनों की जो मैं बोल रही हूँ रिश्ते की बात चल रही थी, रिश्ता पक्का हो गया था तो, लेकिन ये उससे पहले की बात है, बाद में तो उनकी भी कहानी में बहुत ज़्यादा खराब मोड़ आने वाला है, क्योंकि अभी तक उनको कोई कुछ पता नहीं है कि उनके साथ भी आगे आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए। लेकिन उनके दो जो दो भाई बहन थे ना वो बड़े ही इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में, गांव में भी सब बोलने लग गए थे भाई चलो इसके मम्मी पापा तो बेचारे मजदूर है, बेचारा पापा मजदूर है, मम्मी भी घर में इतनी मेहनत करती है, लेकिन अब इसके बच्चे मतलब इतने अच्छे हैं और इतने संस्कारी बच्चे हैं तो आगे चल के ये बच्चे ज़रूर ही मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। और होने भी ऐसा ही वाला था दोस्तों, लेकिन और दोस्तों वो जो उनके दोनों भाई बहन थे ना पता है उन्होंने दोनों इन्हें ही सरकारी स्कूल में पढ़े थे, उसके चारों बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे ना, तो उनके उन बच्चों के उन्होंने किसको देखा है, वो किससे ज़्यादा प्यार करते थे उन्होंने, मतलब अब इतनी तो समझ उसके उन बच्चों के अंदर आ चुकी थी ना, जो उनको पता है कि भाई हमारे जब दुख तकलीफ़ होती है हम पे जो जब कोई संकट आता है तो हमें कौन संभालता है, उन बच्चों को पता था, उन बच्चों को पता था कि जब तुम्हारे मम्मी पापा पे दुख तकलीफ़ आती है, जब तुम्हारे घर पे संकट आता है तो तुम्हारे नाना नानी और तुम्हारे मामा ही तुमको संभालते हैं, तो वो बच्चे अपने नाना नानी से और अपने मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में भी अपने मतलब स्कूल में जाते थे, स्कूल में भी अपने टीचरों को बोलते थे, उनके पता है उसके मामा भी तीनों टीचर थे, उनकी जॉब लग गई थी, मैंने बताया था ना उनकी जॉब लग गई थी, उनके तीनों ही मामा टीचर थे, तो वो बड़े खुश होते थे, वो अपने टीचरों को बोलते थे, अपने सर को बोलते थे कि सर मेरे तीन मामा हैं, मेरी मम्मी के तीन भाई हैं, तीनों भाई आपकी तरह टीचर है, तो वो बड़े खुश होते थे अपने मामा को देख देख के। और उन बच्चों का उनको ये तो नहीं पता था कि अब जो तुम्हारा बचपन है ये तुम्हारा इतना अच्छा है, ये तुम्हारी मतलब सच बोलती हूँ दोस्तों उनकी लाइफ का सबसे हसीन पल वो ही था, उनका जो बचपन है शादी से पहले पहले का जो उनका टाइम था, जो उनका बचपन था और जो वो थोड़े बड़े हुए हैं उस टाइम का टाइम था, तो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम था उनके लिए, वो हर छुट्टियों का इंतज़ार करते, हर छुट्टियों में अपने मामा के घर पे जाते, वहाँ पे मौज मस्ती करते, अपने उनके नाना नानी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा, और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने नाना नानी को, तो वो
मतलब हर छुट्टियों में इंतज़ार करते थे हर छुट्टियों का, कि कब छुट्टियाँ आएगी, कब हम अपने मामा के घर पे जाएंगे, कब उधर रुक के आएंगे। लेकिन ये लगा लो ये 9वीं 10वीं में कोई बड़े नहीं हो जाते, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। अब उनको भी ये नहीं पता था उन लड़कियों को कि ये जो तुम्हारा बचपन है यही तुम्हारी जवानी बन जाएगी और यही तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। अब उन्हीं दिनों में देख लो आप उनके साथ क्या क्या होता है उसके बाद। अब ठीक है दोस्तों, आज हाँ मैं एक और बात बताने वाली थी आपको कि तो वे जो उनके छोटे बच्चे थे ना, उस लेडीज़ के जो छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने सरकार से मतलब इतनी अच्छे पढ़ाई की उन्होंने, तो सरकार से उन्होंने हर साल जैसे 10वीं में मेरिट में आए, प्लस टू में मेरिट में आए वो, तो उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये सरकार से प्राप्त किए दोनों बहन भाइयों ने। तो वो पैसे उनकी आगे की पढ़ाई में बहुत काम आने वाले थे, जो आगे पढ़ाई उनकी 10वीं 12वीं के बाद जो आगे पढ़ाई स्टार्ट होने वाली थी उसमें उनका बहुत मदद करने वाले थे वो पैसे। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं आपको उस लड़की की इतनी ही कहानी, इतनी क्या, मैंने तो वो आपको ये समझ लो आपको उसका आधा संघर्ष तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसके बचपन से लेके उसके ससुराल तक का, उसके बच्चों तक का, कि उसके बच्चे कैसे बड़े हुए, कैसे उनके बच्चे पढ़ने लग गए, और थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी दिया कि आगे यहाँ तक तो ठीक था, आगे उनके साथ और क्या क्या होने वाला था, यहाँ तक भी मैंने आपको बताया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है और आपको आगे का भी सुनने का मन करता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे बताना, मैं आगे का भी आपको ज़रूर बताऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।